हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखते हैं तीन 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 होपोनोपोनो टेक्निक। पूरे दिन में हम कैसे अपने आप को ऐसे बिजी रखें ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बेहतरीन मैसेज मिले और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिजी रहे, ताकि हम हमेशा हमारी क्लीनिंग और क्लियरिंग टेक्निक होती रहे, हम सरेंडर करें यूनिवर्स को। तो आज जो है टेक्निक वो है NLP टेक है। क्या होता है ना, हमारे सेंसेस होते हैं विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। मैं समझाती हूँ आपको। विजुअल मतलब हम क्या देखते हैं, राइट? ऑडिटरी मतलब हम क्या सुनते हैं, काइनेस्थेटिक मतलब हम क्या फील करते हैं ना, टच हुआ या कोई चीज़ को लेके। आपने देखा होगा ना, हम अपने इमोशंस पे ऐसे बात करते हैं, यार आई कैन सी द पेन। लोगों को देखा है आपने, कोई बोलता है मैं देख सकता हूँ दर्द को, कहता है मैं फील कर सकता हूँ दर्द को, कह सकता है मैं सुन सकता हूँ। मतलब हर चीज़ जो है ना, हर इंसान अलग अलग बताता है अपना, ठीक है, कि मैं तो वो जो बताता है। जैसे मैं बोलती हूँ आई कैन फील द पेन यार, तो मैं काइनेस्थेटिक ज़्यादा हूँ, मतलब मैं मेरा जो फीलिंग करने का जो है वो मेरा सेंसेस ज़्यादा है ना। किसी का विजुअल में होगा, कोई किसी को आप आई लव यू बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, कोई आपके एक्शन से फील करना चाहेगा, कोई देखना चाहेगा, मतलब। तो हम क्या करेंगे ना, तीन 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 में हम चीज़ें जहाँ बैठे हुए हैं, हम गहरी सांस लेंगे तीन, और है ना अपने आसपास देखेंगे ब्यूटीफुल कलर। जैसे मेरे आसपास आप देख रहे हो ये है, उसके लिए क्लियरिंग टेक्निक। स्माइल के लिए, स्माइल दिख रही है ना, इतना प्यारा बच्चा दिख रहा है, वहाँ पे दांत दिख रहा है, यहाँ आसपास मेरी डेंटल चेयर है तो मैं देखूँगी आसपास, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऑडिटरी, उसके लिए फिर हम बोलेंगे, जैसे हम विजुअल के लिए तीन चीज़ों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माय सेल्फ, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है हमारा दिमाग ना बिजी रहे देखने में। कहीं भी हम देखें तो हमें क्लिक कर जाए कि हाँ हमें ये करना है। फिर हम ऑडिटरी देखेंगे, ऑडिटरी मतलब सुनना। आप देखो अपने आसपास, आपको कूलर की आवाज़ आ रही होगी, आपको फैन, जैसे मेरे ऊपर फैन है तो आप देखो कोई बात कर रहा होगा, जैसे मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स बात कर रहे हैं तो मुझे आवाज़ आ रही है, मैं फैन है मेरा जो है, वॉच की जो क्लॉक है उसकी आवाज़ आ रही है, वॉल क्लॉक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माय सेल्फ, ठीक है। फिर काइनेस्थेटिक में क्या करेंगे, जैसे मैं ये अपना टच कर रही हूँ, मैं अपना एयरपोर्ट टच कर रही हूँ, तो कुछ भी आप टच करोगे, वॉट एवर यू आर टचिंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग, उसके लिए हम करेंगे, ठीक है। तो विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, तो तीन चीज़ों के लिए क्या, मैंने मान लो ये कर लिया, एक क्रिस्टल पकड़ लिया, तीन चीज़ मुझे मिल गई। अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें होती है ना, हम कभी नोटिस नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारे फायदे होंगे। आपका जो दिमाग है एक तो बिजी रहेगा, और दूसरा आपके जो सेंसेस हैं VA के फिर जो है ना हमारे पास विजुअल ऑडिटिव, वो एक्टिव हो जाएंगे। कई लोग चाबी कहाँ रखते हैं भूल जाते हैं ना, तो आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन पावर बड़ा बढ़ेगा, आप देखने लगोगे क्या आवाज़ें आ रही हैं, जो चीज़ हम नहीं करते हैं ना, जैसे अभी मैं सुन सकती हूँ कि कंप्यूटर की आवाज़ आ रही है फ़ैन वाली, तो हमें ये हम वैसे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दो डबल फायदे होते हैं। तो सारे जो ब्रेन में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उनको बिजी रहना बहुत पसंद है, नहीं तो फिर नेगेटिव चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे हिसाब से हो, तो हम करेंगे तीन 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 की प्रैक्टिस। और क्या आपने मुझे मिस किया, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मैं तो आप लोगों को बहुत मिस किया, और टेक केयर। आप मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं, मैंने अभी इनोचाइल हीलिंग की सीरीज़ भी शुरू की है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी ऐसा लगा कि इनोचाइल के बारे में मुझे अभी बहुत अच्छा लगा, और मुझे फैसिनेशन सा लगा कि इनोचाइल्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इनर चाइल्ड हील करेंगे तो हमारी लाइफ भी हील होती जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस हील
जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, रेजोनेट कर पाते हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।